लंबे समय बाद आई फाइनली मेरा कम बैक आना ही था ऐसे समय में हमारा फर्ज है कि हम सब मिलकर इस करेंट सिचुएशन को एड्रेस करें यस द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम आज हॉस्पिटल्स के केटो में लोग मर रहे हैं जिनसे वो प्यार करते हैं वो इस कारण से मरते हैं कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है या वेंटिलेटर नहीं है तो इसके लिए हॉस्पिटल लायबल नहीं रहेगा ये उस कॉन्सेंट फॉर्म पे साइन करते हैं न्यूज़ चैनल्स में तो चिताए दिखाई जा रही हैं तमाम तरह के लोग डरे बैठे हैं कुछ ही दिनों पहले भारत इंडिया ने ग्लोबल रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स ब्रेक किया पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मरने वाले लोग इस देश के वट इज दर्पस ऑफ स्पिरिचुअलिटी आई वंडर लगता है भयानक सपना देख रहे हो सपना या सच इसको ही समझने के लिए हमने शो में ब्रदर सूरज को इनवाइट किया है वेलकम ब्रदर थैंक वेलकम टू द शो ब्रदर इतने सारे लोगों की डेथ्स एक साथ ऐसा नजारा इससे पहले तो इतिहास के पन्नों हिस्ट्री बुक्स में वर्ल्ड वॉर के दौरान पढ़ा था एक तब और ये आज का सीन बट वॉट एम सरप्राइज एट कि इतनी मौतें होने के बाद भी वर्ल्डोमीटर जो विश्व का सबसे प्रसिद्ध वेबसाइट है वो कहता है देर इज नो डिक्लाइन इन पॉपुलेशन जनसंख्या के आंकड़ों में कोई भी गिरावट नहीं इतनी डेथ्स होने के बाद भी आज भी जनसंख्या बढ़ रही है ये कैसे देखिए संसार की जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा है उसमें यदि एक करोड़ लोग भी मरते हैं तो लोगों को लगता है कि संख्या तो घट नहीं रही है अभी तो खैर ऐसी स्थिति नहीं आई है बहुत मरे हैं संख्या राइट तो दी भी नहीं जाती करोड़ों में तो ये पहुंची गई है लेकिन इस सृष्टि के सिद्धांत के अनुसार बहुत आत्माओं का पुनर्जन्म होता रहता है ठीक है मरने वालों की संख्या ज्यादा है पुनर्जन्म थोड़ा उससे कम होता है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा हो जाता है इसलिए जनसंख्या घटती नजर नहीं आएगी मरने वालों की संख्या ज्यादा होती है जन्म लेने वालों की संख्या थोड़ी उससे कम रह जाती है इसलिए टोटल जो जनसंख्या संसार की उसमें कमी दिखाई नहीं देगी लेकिन ये खेल तो चल रहा है और बड़ा दुखमय है दुख भरा है हम सब जानते हैं कोई भी ऐसा खेल देखना नहीं चाहता जिसके परिवार जन अपने लोगों को खोते हैं या उस वो एक बहुत बड़ी त्रासदी होती है उससे गुजरते हैं उन पर मानसिक इफेक्ट बहुत ही गहरा पड़ता है उसको तो वही सब अनुभव करते हैं क्या गहरा इफेक्ट उनको किस हद तक इमोशनल कर देता है और एक दुख भरा जीवन वो व्यतीत करने लगते हैं ये संसार में बहुत चल रहा है हमारा लक्ष्य तो ये होना चाहिए कि हम ऐसी व्यवस्था करें कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो न हो ब्रदर भारत विश्व गुरु द गोल्डन बर्ड अनेक नामों से जाना जाता है सोने की चिड़िया पर आज इसकी ऐसी हालत देख के लगता है इसका गुरूर खत्म सा होता जा रहा है इट्स अ कंट्रीज क्वेश्चन जिस देश में तीन सौ पैंसठ दिन सारे देवताओं को पूजा जाता है यक तब जपाजाप चलता है से नमाजें पढ़ी जाती हैं, बकायदा रो, रोजा रखा जाता है अनेक वर्षों से उपवास इतने सन्यासियों की तपस्या अखंड चोत जलाना क्या ये सब करके भी वो ऊपर वाला प्रसन्न नहीं हुआ आपका प्रश्न तो ये बिल्कुल ठीक है भारत धर्म प्रधान देश है यहाँ गली गली में मंदिर हैं यहाँ तीर्थ हैं यहाँ भजन कीर्तन यज्ञ हवन तपस्या सब कुछ चलती है लेकिन इसके साथ एक चीज और चल रही है वो है पाप में अति बढ़ोतरी मैं आज सोच रहा था कि अब मनुष्य को ये सोचने के लिए विवश होना चाहिए कि बहुत सारी जो चीजें आ रही हैं, ब्लैक फंगस वाइट फंगस अब येलो फंगस नया भी नाम कोई आ सकता है ये इस पॉल्यूशन की ही तो देन है एक छोटा सा वायरस प्रारंभ हुआ था वो कैसे उसके वेरिएंट बढ़ते गए उसका रूपांतरण होता गया और दिखाई देता है कि ये रुकने का नाम नहीं ले रहा तीसरी लहर की भी लोग बात कर रहे हैं तो वास्तव में ये पूजा पाठ भक्ति आदि ये सब भी अब अपने लोवेस्ट लेवल पर आ गए इसमें बल नहीं रहा इसमें वाइब्रेशंस नहीं रहे हैं तामसिकता बहुत आ गई है हर चीज में क्योंकि अगर ये सात्विक होते अगर ये सच्चे दिल से किए जाते तो इस संसार में पाप न बढ़ता और सच तो ये है कि आज बुद्धिमान लोग पाप की परिभाषा को पहचान भी नहीं रहे हैं वो ऐसे कर्म कर रहे हैं जो महापाप पाप हैं और वो अपने को बड़े अच्छे लोग समझ रहे भारत धर्म गुरु था अब नहीं है विश्व गुरु था ये अब नहीं है ये सोने की चिड़िया थी अब नहीं है ये परमात्मा की जन्म भूमि और कर्म भूमि है उसका दिव्य कार्य यहाँ चलता है और उसका प्लान है पुनः इस भारत भूमि को सच्ची धर्म भूमि पुण्य भूमि विश्व गुरु बनाने का अब उसका लक्ष्य है पूरा कि इस भारत को सोने की चिड़िया बना देने का लेकिन ये परिवर्तन का समय है जब परिवर्तन होता है एक मकान पूरा पुराना हो गया उसको तोड़ के नया बनाना जब वो टूटता है तो कैसा लगता है जब नया बन के सज धज के एक सुंदर बिल्डिंग तैयार हो जाती है तब कैसा लगता है तो ये युग परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है ये अभी कुछ प्रभु प्लान भी चल रहा है जिसको समझना बहुत आवश्यक है तो ये सब चीज़ें जो आज हो रही हैं भारत में धर्म के नाम पर उससे धर्म को या मानवता को कोई बल नहीं मिल रहा यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है इसलिए सत्य धर्म भारत में स्थापित हो जाएगा और यह सब खेल बदल जाएगा सुंदर घर का हम भी बहुत इंतजार कर रहे हैं उस नई दुनिया की जिसकी आप बात कर रहे हैं ब्रदर आपने जैसे कि बताया कि परिवर्तन का समय है मेरा ये क्वेश्चन है ऐसे समय पर जहां पे होल सेल में मौतें हो रही हैं और उनको तो मर्सीफुल कहते हैं गॉड फादर इज ब्लिसफुल उनको मर्सी हम पे नहीं आती uh, कहते हैं वो सर्वशक्तिवान है तो ऐसा परिवर्तन के समय पे वो अपनी शक्तियों से सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर देता एक्चुअली वो बहुत ज्यादा मर्सीफुल है लेकिन वो देख रहा है कि पाप के कारण मनुष्य बहुत दुखी हो रहा है घर घर में झगड़े हो रहे हैं नई शादियाँ ब्रेक हो रही है कोई कहीं भी संतुष्ट नहीं है भारत का संसार का सच्चा प्यार अपनापन नष्ट होता जा रहा है तो उसका रहम यही है कि वो इस दुखों से संसार को छुड़ा दे। वो सर्वशक्तिवान है उसकी शक्तियाँ तब काम करती हैं जब हमारा बुद्धियोग उससे लग जाए जब हम उससे कनेक्ट हो जाए देखो हमारे मोबाइल में ही कनेक्टिविटी ना हो तो काम ही नहीं करेगा कनेक्शन बहुत आवश्यक होता है आज कितने लोग हैं जिसका ऑल माइटी से कनेक्शन है शायद बहुत कम लोगों का तो वो ऑल माइटी है और वो अपनी माइट का प्रयोग कर रहा है इस दुखों की दुनिया को सुखों की दुनिया में बदलने का इसलिए हमें दुख तो दिखाई दे रहा है लेकिन जो आने वाला सुखधाम है जहां सुख ही सुख होगा वो अभी लोगों को नहीं दिख रहा है हम वही दिखाना चाहते हैं तो परमात्मा की ओर से ये सब कार्य नहीं हो रहे हैं ये कार्य मनुष्यों की ओर से हो रहे हैं बहुत सारे लोग जानते ही हैं मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं ये वायरस कहाँ से आया है जानबूझ के भेजा गया है मुझे तो ऐसा लग रहा है क्योंकि और चाल कोई उनकी सफल नहीं हो रही थी तो सोचा ये चाल तो सफल होगी ही इसलिए भगवान तो अब इस युग को बदलने का कार्य कर रहा है अपनी शक्तियों से और इस दुख को सदा के लिए समाप्त कर लेना चाहता है लेकिन मनुष्य ने जो बहुत पाप किए हैं उनका फल भी तो उनको मिलना ही है एब्सोल्यूटली इट्स ब्यूटिफुली हाउ यू सेट कि दुख की दुनिया से सुख की दुनिया आई थिंक इट्स द मोस्ट पॉजिटिव थाट वी कैन ऑल कैरी आउट पर ये दुख की दुनिया है इस पर बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन है कि ये पुरानी दुनिया है इसका आ, ये पापों की इम्प्योर वर्ल्ड है क्योंकि इतनी चकाचौन जो आज से पहले कभी नहीं देखी ऐसी चमक लगता है कोई दुनिया को सजा रहा हो चांद सितारे हम तो अंतरिक्ष तक पहुंच गए हैं तेजी से नई चीज़ों के आविष्कार साइंस के सुंदर इन्वेंशंस और ये कुछ ही समय पहले स्टार्ट हुआ साइंस न्यूज अमेरिकन वेबसाइट ने बताया कि साइंस ने लगभग सौ साल पहले ही जन्म लिया है और इतने कम समय में पूरे विश्व में रौनक लगा दी है सुख सुविधाएं, इन्वेंशंस तो ऐसी कि बटन दबा के काम हो जाता है लोगों को लगता है हम स्वर्ग में बैठे हैं मैं आपकी लास्ट लाइन से शुरू करना चाहता हूँ किसी के घर में लाइट की सुंदर जगमगाहट हो लेकिन पति पत्नी आपस में झगड़ रहे हों क्या उसको स्वर्ग कहा जाएगा किसी के घर में साइंस के सब वैभव हों लेकिन रहने वाले लोग बीमार हों वो उनका उपभोग ही नहीं कर पा रहे क्या उसे स्वर्ग कहा जाएगा नो डाउट मनुष्य अंतरिक्ष तक पहुंच गया लेकिन अपने अंदर तो नहीं पहुंचा उसने बहुत सारी इन्वेंशन कर ली ले, लेकिन मानवता को इंसानियत को जिंदा रखने की इन्वेंशन तो बिल्कुल नहीं हुई इसलिए विकास हुआ भाई ये विकास हुआ वो हम सबके समक्ष है लेकिन क्या हम मानवता का विकास कर पाए क्या हम सुंदर विचार अपने अंदर पैदा कर पाए विकास बहुत हो गया है मैंने बड़े बड़े साइंटिस्ट देखे उदास दिखाई देते हैं अनेक अच्छे अच्छे लोग डिप्रेशन में दिखाई देते हैं छोटे विचारों के दिखाई देते हैं तो विकास तो हुआ है पर विनाश का भी तो विकास कर लिया मनुष्य ने एटम बॉम्ब्स बना दिए हाइड्रोजन बॉम्ब्स बना दिए अब ये जैविक हथियार बना दिए इन सब से विकास के साथ विनाश की प्रक्रिया भी तो मनुष्य ने प्रारंभ कर दी तो ये विकास तो हुआ पर मानव जिसके लिए ये विकास हो रहा है यदि वो मानव ही नहीं रहेगा तो इस विकास का फायदा कौन लेगा अब देख लीजिए जीव जंतु बीमार हैं क्या पशु पक्षी बीमार हैं क्या गाय भय साल कभी जीवन में एक दो बार बीमार होती है बीमार मनुष्य ज्यादा है झगड़े मनुष्यों में ज्यादा है पाप मनुष्यों के बीच ज्यादा है बुद्धिमान कहलाने वाला मनुष्य आज जमीन पर आता हुआ नजर आता है दूसरा पहलू मैं रखना चाहता हूं ये बहुत बड़ा सीक्रेट है इस सृष्टि का कि 100 वर्ष से लगभग साइंस की भिन्न भिन्न इन्वेंशन हुई हैं और इस संसार को रोशन कर दिया है विज्ञान ने घर घर में सुखों के साधन आ गए हैं पहले घरों में माताएं खाना बनाती थी हाथ से चक्की से आटा पीसा जाता था लालटेन दीपक जलते थे लेकिन मनुष्य अब से सौ गुना ज़्यादा सुखी था अब सब साधन आकर भी गैस आ गई घर में इलेक्ट्रिसिटी आ गई बटन दबाओ पानी बटन दबाओ लाइट है टेप खोलो पानी है पहले दूर से लाना पड़ता था लेकिन क्या मनु सुखी हुआ आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हुआ है और दुखों का अंबार लग गया संसार में तो एक रहस्य समझ लें आप कि ये जो सौ साल में विज्ञान का विकास हुआ है अगर मैं साफ बोलूं ये इस कलयुगी पाप भरी दुनिया के विनाश के लिए और जो नया स्वर्णिम युग आ रहा है सत्युग जो देवताओं की दुनिया होगी उसमें ये यूजफुल होगा तो ये विना, विकास तो कंटिन्यू रहेगा लेकिन विज्ञान का ये विकास उन मनुष्यों को सुख नहीं देगा जो इम्परफेक्ट हैं जो मनुष्य नहीं हैं जो मानवता से नीचे चुके हैं ये बहुत बड़ा रहस्य है क्योंकि नई तैयारी जब नव युग की हो रही है तो उसकी तैयारियां पहले से ही प्रारंभ हो गई हैं तो यह विज्ञान और प्रगति करेगा और है जो भगवान ने बताया हुआ है। कि जब ये विज्ञान परफेक्ट हो जाएगा अभी तो रिसर्च है और रिसर्च इज नेवर परफेक्ट जब ये विज्ञान परफेक्ट हो जाएगा तब ये जो परफेक्ट मनुष्य होंगे देवी देवता उनके ही काम आएगा वेरी नाइसली सेट ब्रदर रिसर्च रिसर्च इज़ नेवर परफेक्ट उसका मतलब ही खोज होता है मतलब संपूर्ण सच नहीं है ये और जैसा कि आपने बोला कि सत्युग गोल्डन एज के आने के लिए ये सब तैयारियाँ हो रही हैं और ये जो चमक देख रहे हैं इसके पीछे अगर रियालिटी देखें तो डिप्रेशन एनजाइटी स्ट्रेस और ये सब तो बाहर की चमक है बाहर की चमक चमक से फिल्म इंडस्ट्री याद आती है फिल्म इंडस्ट्री से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आई रिमेंबर कि जब बाहर थी तो बहुत सुना था कि रिस्की है भाग्य की बात है इट्स अलग फैक्टर बट सेफली बाय गॉड्स ग्रेस मैं सही हाथों में थी वंडरफुल एक्सपीरियंस विथ टी सीरीज भूषण कुमार भूषण कुमार उनके बारे में तो मोस्ट नीट एंड क्लीन पर्सन आई हैव एवर मेट, वाइब्रेंट एंड वेरी प्रोफेशनल। तो बाहर की चमक की बात करें तो मुझे एक कहानी याद आती है एक बूढ़ी माता की चाबी खो गई थी फिर उसने घर के बाहर चाबी खोजना चालू किया बहुत देर ढूंढने के बाद आसपास गांव वाले भी उनकी मदद के लिए आ गए अंत में एक ओल्ड वाइस मैन ने आके पूछा माता आपको याद है चाबी कहां खोई थी तो उत्तर देते कहा उन्होंने कोई तो अंदर थी पर क्या है ना अंदर लाइट नहीं है इसीलिए बाहर स्ट्रीट लाइट में खोज रहे हूं सो so ब्रदर दौड़ते 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 थक गए हैं शायद खोज अंदर समाप्त तो होनी है पर अब अंदर की यात्रा कैसे शुरू की जाए वेरी गुड क्वेश्चन अंदर की यात्रा को ही तो लोग भूल गए और हम वही तो लोगों को सिखा रहे हैं कि अपने को थोड़ा ऑब्जर्व करना भी सीखो दूसरों को तो देख रहे हो लगातार उनके गुण अवगुण कई चीजों का वर्णन कर रहे हो क्या पर तुमने कभी अपने अंदर झांक कर देखा है मेरे अंदर क्या कमजोरियां हैं? मेरे अंदर क्या महानताएं हैं कभी आपने ऊपर को भी देखा है कि भगवान भी कोई सत्ता है अगर हम उससे कनेक्ट हो जाएं उसकी ओर मन और बुद्धि की यात्रा करने लगे तो उसकी शक्तियां उसकी शांति उसका प्रेम उससे मिलने वाली खुशी शक्तियां हमें प्राप्त हो सकती हैं तो आत्मा की ओर अपने विचारों को ले चलना आत्मा यहां अंदर रहती है ब्रेन के मध्य में हम बाह्य मुखी हो गए इसको एक्स्ट्रो वर्जन कहते हैं बाहर ही देख रहे हैं बाहर का ही सोच रहे हैं बाहर के लिए ही कमा रहे हैं अब अंदर की ओर चले जरा अपनी ओर मैं आत्मा हूं इस आत्मा का चिंतन करें उस विजुअलाइज करें उसकी शक्तियों को पहचाने आत्मा कितनी आनंदित है आत्मा कितनी पीसफुल लविंग है ये सब रियलाइज करें और परमात्मा से अपने को कनेक्ट करें यह ये शुरुआत है इनर जर्नी की ये जब तक सब नहीं करेंगे तब तक मनुष्य अपनी शक्तियों को नहीं पहचानेगा और छोटी छोटी बातों में वो डिप्रेस होगा आजकल दो बहुत बड़ी समस्या इस संसार में दिखाई दे रही हैं मनुष्य बहुत सेंसिटिव और बहुत ज्यादा इमोशनल होते जाते हैं तो इसलिए उनकी सहन शक्ति जवाब देती जा रही है मेरे पास बहुतों का कांटेक्ट होता है एक की बात बताऊं कहा मुझे सब परेशान कर रहे हैं घर में मैंने कुछ बातें करके उससे पूछा परेशान कर रहे हैं या तुम परेशान होती हो बहुत सुंदर विचारणीय सब्जेक्ट है वो भी बुद्धिमान दिखाई दी मुझे उसने कहा नहीं ये सत्य है कि मैं परेशान होती हूँ मैं बहुत सेंसिटिव हो गई हूँ मैं सदैव देखती हूँ दूसरों की ओर ये लोग मुझे प्यार करें देखो भिखारी बन गया ना मैंने उसको ऐसे ही उदाहरण दिया मैंने कहा तुमने तो कटोरा ले लिया भिखारियों की तरह हाथ में वो पैसा मांगते हैं तुम प्यार मांग रही हो प्यार के सागर की संतान हो प्यार की दाता बन जाओ प्यार तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा इनर जर्नी है अपने को हम पहचानेंगे तो ये आजकल की अनेक समस्याएं जो मानसिक रोगों के रूप में उभरती नजर आ रही हैं, ये लोप होती हुई दिखाई देंगी। फैंटास्टिक, ब्रदर आपको सुनने के बाद तो लगता है मैं खुद भी बेगर टू प्रिंस बन गई हूं एक्चुअल में हम एक्सपेक्ट करते हैं कोई सामने से प्यार दे रिस्पेक्ट दे पर जैसा कि ब्रदर ने बताया ऑथोरिटी थॉरिटी ऑफ लव ये सब तो पावर ऑफ रियलाइजेशन से आता है ब्यूटिफुली सेट ब्रदर एक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा फ्रेज है कि ज्ञान सूर्य प्रकटा अज्ञान अंधेर विनाश ये सूर्य ये सनराइज तो हम हर दिन देखते हैं पर इस सूर्य की मौजूदगी भी हमारे जीवन से अंधकार को मिटा नहीं पा रही है तो फिर ये कौन सी सूर्य का गायन है ये सत्य कहा आपने ये सूर्य प्रकाश गर्मी एनर्जी सब कुछ दे रहा है लेकिन अंधकार तो मनुष्य के मन के अंदर है उसका तीसरा नेत्र बंद हो चुका है वो अपने को बहुत बुद्धिमान समझ रहा है पर सद्बुद्धि उसकी प्राय लोप होती हुई दिखाई दे रही है सदविचार उसको छोड़कर कहीं और जा चुके हैं तो ये इस सूर्य से जग का अंधकार दूर नहीं होगा वो तो रोज होता है और फिर अंधेरा होता है हम देख रहे हैं ये चक्र ज्ञान सूर्य यहाँ कहते हैं परमात्मा को जो ज्ञान का सागर है जो इस सृष्टि का बीज है वो जब इस सृष्टि पर आकर अपना सत्य ज्ञान देता है जिसे सत्य गीता ज्ञान कहते हैं तब मनुष्य के मन का अंधकार विलीन होता है मनुष्य प्रकाश में आ जाता है वो अपने को पहचानता है अपने परम पिता को पहचान के उसे कनेक्ट होता है और तब उसका जीवन देवत्व की ओर चलने लगता है सो गॉड्स रियलाइजेशन वेल सेट अब ज्ञान की चर्चा ही हो रही है तो इस दुनिया में ऐसी अनेक यूनिवर्सिटीज हैं पर हर एक अपने अपने क्षेत्र में काम करता है जैसे कि आर्किटेक्चुरल यूनिवर्सिटीज आर्किटेक्ट्स बनाती है मेडिकल साइंस डॉक्टर्स पैदा करती है स्टडी ऑफ लॉस से लॉयर बना जाता है ऐसी अनेक यूनिवर्सिटीज हैं पर हर एक अपने अपने क्षेत्र में सीमित है यूनिवर्सिटी नाम तो है पर एक भी ऐसी नहीं जो पूरे यूनिवर्स के लिए काम करे यूनिवर्सिटी माना ही वो जो पूरे यूनिवर्स के लिए हो ये ईश्वर का विद्यालय गॉडली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी इस पे खरा उतरता है वर्ल्ड वाइड मिलियन ब्रांचेस पूरे यूनिवर्स में फैली हुई हैं अब ब्रदर वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन इज अप्रोक्सीमेटली सेवन पॉइंट नाइन बिलियन क्या ये यूनिवर्सिटी पूरे विश्व के साढ़े सात सौ आठ सौ करोड़ जनसंख्या की सेवा कर सकता है देखिए जो ज्ञान शब्द है जैसे आपने कहा मेडिकल कॉलेज में मेडिकल का ज्ञान दिया जाता है तो लॉ कॉलेज में लॉयर बनाया जाता है इंजीनियर्स बनाया जाता है लेकिन उसके लिए ज्ञान शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं है ज्ञान तो कुछ और चीज है वो एजुकेशन है वो एक इंफॉर्मेशन है ज्ञान है स्वयं का ज्ञान कर्मों का ज्ञान श्रेष्ठ विचारों का ज्ञान ये जो वर्ल्ड साइकिल चल रहा है इसका ज्ञान इसमें उत्थान और पतन कैसे होता है ये जो मनुष्य के अंदर मोहमाया आ गई है विषय विकार आ गई क्यों आए इनका ज्ञान परमात्मा का ज्ञान उसके आने के समय का ज्ञान इसको ज्ञान कहा जाता है और ये ज्ञान स्वयं परमात्मा कर देते हैं जैसे मैंने कहा वो दे रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को उन्होंने ये ज्ञान दे दिया है मैं कहूं कि मैं थोड़ा सा उदाहरण दू मान लो एक मिलियन लोग हमसे जुड़े हैं जो योगी बन चुके हैं जो ज्ञानी बन चुके हैं अब उनका काम होता है संसार में इस ज्ञान का विस्तार करना उसको फैलाना लेकिन केवल ज्ञान देने से लोग ज्ञानी बन जाए उनका अंधकार दूर हो जाए ये संभव नहीं है इसलिए हम में से बहुत सारे लोग योग के प्योरिटी के स्पिरिचुअलिटी के वाइब्रेशंस फैला रहे हैं जिनकी पहुंच संसार के हर प्राणी तक होती है इन वाइब्रेशंस को पाकर ये वाइब्रेशंस अब बढ़ते जा रहे हैं और दो चार साल में बहुत तेजी से संसार में फैलते जाएंगे आजकल तो सोशल मीडिया का समय है टीवी आदि का समय है उससे भी ये ज्ञान संसार के कोने कोने तक पहुंच रहा है और पहुंच जाएगा लेकिन ये वाइब्रेशंस पहुंचने पर मनुष्य के अंदर स्वतः ही एक जागृति आएगी वो अपनी कमियों को पहचानेगा वो गलती कहाँ कर रहा है इसका डीप रियलाइजेशन उसे होगा हर मनुष्य के अंदर देवत्व है प्योरिटी है बहुत ज्यादा पावर है वो सब जागृत होंगी और मनुष्य फिर से मनुष्य बन जाएगा बस ये काम ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय कर रहा है वंडरफुली कि हम सब में देवत्व है वो क्वालिटीज को इमर्ज करना है तो इसका मतलब ये मान ले कि ये यूनिवर्सिटी एक्चुअली इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड को सर्व कर सकती है ये किसी एक क्षेत्र में सीमित नहीं है ये पूरे वर्ल्ड को सर्व कर सकती है एट वन टाइम दैट्स अ बिग न्यूज फॉर मी मैंने पहली बार इसको समझा ब्रदर इतना तो श्योर है कि आप ऐसे इंस्पायरिंग ऐसे मोटिवेटिंग इस यूनिवर्सिटी से बने होंगे ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपके आने से पहले एनर्जी हाई और कमरे में पहले पहुंच जाता है कॉन्ट्ररी टू दिस आज लोग लो फीलिंग्स के विक्टिम बनते जा रहे हैं मैं सराउंडिंग्स में जब देखती हूँ तो परसेंटेज बढ़ती जा रही है अब ऐसी स्थिति में जहाँ पे लोग लो फीलिंग के विक्टिम हैं तो अपनी स्टेज को ऊपर कैसे लावे ये सत्य है कि हम सब जो बहुत अच्छा राज्यों का अभ्यास करते हैं हमने अपनी स्पिरिचुअलिटी को अपनी प्योरिटी को बहुत बढ़ाया है तो हमारा और भी बहुत विशाल होता जाता है वो 25 फुट तक नहीं वो माइल्स एंड माइस तक पहुंचता रहता है वो सारे विश्व तक पहुंचेगा कुछ ही समय में तो ये स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी सबको मोटिवेट कर रही है स्पिरिचुअलिटी की ओर और, और अब क्या होगा ये लोवेस्ट जो विचारधारा है इसका विक्टिम मनुष्य क्यों हुआ क्योंकि वो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गया है उसका एक सीमित दायरा हो गया उसका सेल्फिश मोटिवेशन बहुत बढ़ गया है वो एक दायरे से बाहर की सोच ही नहीं पाता उसमें कल्याणकारी भावना तो लगभग समाप्त हो गई है दूसरों को सुख देना है दूसरों में प्यार बांटना है थोड़े लोगों में रह गया जैसा हम अपने देश में अब देख रहे हैं बहुत अच्छे लोग हैं कोरोना काल में दूसरों को बहुत मदद करते हैं आपके सोनू सूद ही देखो कितना अच्छी तरह से समाज को मदद करने का कार्य कर रहे हैं और भी कुछ लोग हैं तो इस लेवल को एलिवेटेड लेवल तक पहुँचाने के लिए मनुष्य को कुछ अच्छा छी बातों का ज्ञान होना आवश्यक है और वही हम पहुंचा रहे हैं उस ज्ञान के द्वारा हमारे विचार दिनों दिन एलिवेटेड होते जाते हैं महान बनते जाते हैं और जब मनुष्य के विचार महान बन जाते हैं तब वो महामानव बन जाता है विचारों से ही सब कुछ होता है विचार महान होने से कर्म श्रेष्ठ होने लगते हैं भावनाएं बदल जाती हैं दूसरों के प्रति एटीट्यूड्स चेंज हो जाते हैं दूसरों को देने की भावना हो जाती है तो जो आपने प्रश्न किया उसका उत्तर स्पिरिचुअलिटी है स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर लोग चलेंगे तो मोस्ट एलिवेटेड हो जाएंगे बन जाएंगे, मांगने की बात समाप्त हो जाएगी जो लो लेवल मनुष्य हो गया है वो बहुत हाई लेवल में जल्द ही बदल जाएगा ब्यूटिफुल वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू रीच दैट हाई लेवल आज की बात करें तो चारों ओर से समस्याओं ने घेर लिया है रातों रातों रात दुनिया पलट गई है कमाया हुआ धन पानी के जैसे बह रहा है लॉकडाउन से फाइनेंशियल क्राइसिस मेंटल प्रेशर बाहर नहीं निकल सकते तो सोशल क्राइसिस ऑल इन ऑल ग्लोबल इट्स अ ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस जीवन के चारों ही पहिए हिलने लग गए हैं सो so, ब्रदर क्या ऐसी परिस्थिति को भी जीता जा सकता है बिल्कुल जीता जा सकता है और बहुत लोग जीत रहे हैं और हम यही सारे संसार को सिखा सकते हैं क्योंकि आपने जो दो बातें कही एक सोशली बहुत ज्यादा स्ट्रगल बढ़ गया है जिसको डोमेस्टिक वायलेंस भी लोग कह रहे हैं और एक ये मानसिक इफेक्ट बहुत आता जाता है लोगों पर वो घर से बाहर नहीं निकल रहे बच्चे खेल कूद नहीं कर रहे उनकी पढ़ाई पे बुरा इफेक्ट आ रहा है संबंधों में थोड़ी कड़वाहट बढ़ गई क्योंकि सब एक साथ रह रहे उन्हें फ्यूचर की भी चिंता सता रही है दुकान नहीं चल रही बिजनेस नहीं चल रहा नौकरी छूट रही है क्या करेंगे हम कहाँ से पैसा लाएंगे तो ये एक मानसिक जो स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है तो मुझे पहले से ही अंदाज हो गया था कि जो बीमारियां हैं ये मनुष्य को डिप्रेशन देकर जाएंगे एंग्जाइटी देकर जाएंगी अनेक लोग रात को सो नहीं पाएंगे ऐसी परिस्थिति बन जाएगी इसमें भी हम कुछ सिद्धांत अपने साथ लेकर चले एक बहुत सुंदर सिद्धांत में जो लोगों को सिखाता आया हूं और सिखाना चाहता हूं जो कुछ इस सृष्टि में हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना है क्योंकि सृष्टि के विधान संविधान कुछ और हैं इसके भी संविधान हैं जैसे हर देश का संविधान होता है इसके भी हैं बहुत सारे हम उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे अब विधि का विधान अब काम कर रहा है हमें एक्सेप्ट करके अपने चित्त को शांत रखना सीखना होगा और ये होगा सभी समस्याओं का समाधान फ्यूचर हमारा अच्छा हो जाएगा अगर वर्तमान अच्छा होगा मैंने समस्याओं के समाधान पर बहुत समय से कार्य किया था और शुरू यहां से किया था मैंने भगवान के महावाक्यों में एक छोटी सी सुंदर बात सुनी थी समस्याएं क्या हैं? समस्याएं और कुछ नहीं कमजोर मन की रचना है और ये मुझे इतना ज़्यादा अपील कर गया था ये महावाक्य इस पर मैंने वर्क करना शुरू किया और समाधान करना शुरू किया लोगों की समस्याओं का तो क्या है कि मनुष्य अगर मन को कमज़ोर नहीं होने देगा वर्तमान परिस्थितियों में तो उसका भविष्य बिगड़ेगा नहीं फिर सब कुछ अच्छा होगा फिर पैसा आपसे ज्यादा आ जाएगा फिर पढ़ाई अच्छी होने लगेगी बीमारियां सब ठीक हो जाएंगी लेकिन अगर मनुष्य ने अपने को मानसिक रोगी बना लिया मान लो उसको नींद नहीं आती रात को उसको डिप्रेशन हो गया तो कमाने लायक नहीं रहेगा बच्चों को देखने लायक नहीं रहेगा इसलिए समय की बहुत बड़ी डिमांड है मानसिक रूप से अपने को अच्छा बनाए रखें हेल्दी बनाए रखें एक्सेप्टेंस उसके लिए बहुत जरूरी है जो चीज हम बदल नहीं सकते जिन पर हमारा अधिकार नहीं है उसको स्वीकार करके अपनी आंतरिक शांति को कायम रखें इसकी बहुत जरूरत है टच्ड माय हार्ट मेरे दिल को छू गया है ये पॉइंट कमजोर मन की रचना कैसे अपने माइंड को स्ट्रेंथन करें इस स्पोकन मैं एक जगह परिवार दूसरी जगह फिर यह दुनिया का बढ़ता दुख जहां पे अपनों से मिलने भी नहीं दिया जा रहा तो क्या अब एक अब ऐसे वक्त में एक जगह बैठे दूसरे कोने में बैठे व्यक्ति को सहारा दे सकते हैं इन अ ब्रॉड पिक्चर पूरे विश्व को ऐसे समय में पूरे विश्व को एक जगह बैठ के गुड विशेष ब्लेसिंग्स एम्पावरमेंट दे सकते हैं हाउ कैन वी सर्व द होल वर्ल्ड बिल्कुल दे सकते हैं मैं एक छोटी सी विधि बता रहा हूँ जिसको लोग प्रयोग करें अपने परिवार जनों से वर्ल्ड तक बाद में पहुंचेंगे लेकिन पहले जो एक उनका अपना सीमित दायरा है और मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ मान लो उनका एक व्यक्ति हॉस्पिटल में है कोरोना पीड़ित है उसके पास किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है और कई केस तो ऐसे होते हैं कि वहां का कुछ समाचार भी बाहर नहीं आ रहा तो ये बहुत पीड़ित है हमारे व्यक्ति के साथ क्या हो रहा होगा उसे भोजन मिल रहा है या नहीं मिल रहा कईयों ने तो बताया जब वो ठीक हो गए कोई पानी नहीं पूछता था कोई भोजन नहीं पूछता था बस जैसे तैसे हमने दस दिन पूरे कर लिए हैं बच के आ गए बस यही भगवान का शुक्रिया है तो मनुष्य चिंतित होता है ऐसे में हम सब कॉन्शियस माइंड की पावर का यूज करेंगे अगर आप थोड़ा मेडिटेशन भी करने लगें तो आपका मन बहुत एम्पावर हो जाएगा और आपके वाइब्रेशंस पावरफुल्ली वर्क करेंगे लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो तब तक ये काम शुरू करें सवेरे तब उठें जब वो व्यक्ति सोया हो वो तो आपको पता ही होगा पाँच बजे उठ जाएं चार बजे उठ जाएं और उस व्यक्ति को मस्तक में चमकती हुई आत्मा देखें दो चीजें हैं शरीर और मस्तक के बीच में मस्तिष्क के बीच में चमकती हुई आत्मा पांच सेकंड के लिए आत्मा देखें लाइक स्टार जिसे किरणें फैल रही हैं चारों ओर और, और फिर माइंड टू माइंड उससे बात करें जैसे तुम अकेले नहीं हो हम सब तुम्हारे साथ हैं हमें तुम्हारा सब समाचार मिल रहा है तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे तुम्हारा हेल्थ बिल्कुल डे बाय डे इम्प्रूव हो रही है सब कुछ अच्छा है हम सब तुम्हें बहुत प्यार भेज रहे हैं गुड वाइब्रेशंस भेज रहे हैं आप बहुत खुश नसीब हो बीमारी आई है चली जाएगी ये तो आने जाने का खेल चल रहा है तुम बिल्कुल प्रसन्न रहना आज से बहुत खुश रहना बहुत खुश रहना बहुत खुश रहना तो व्यक्ति सोया है उसका सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव है जगह है वही सब थॉट्स रिसीव करेगा डेली सेम टाइम यही थॉट्स उसको देते रहें बस वो खुश रहेगा और आप स्वयं भी निश्चिंत रहें भगवान के हाथों में सौंप दें उस व्यक्ति को अब हम तो नहीं जा सकते तुम तो जा सकते हो यू लुक आफ्टर आवर दिस पर्सन और उसके हाथों में सौंप कर उस पर विश्वास रखें तो वो उसको संभालता रहेगा और वो व्यक्ति खुश भी रहेगा और ठीक होके जल्दी वापस आ जाएगा यही प्रक्रिया हम संसार के और लोगों के लिए भी कर सकते हैं फैंटास्टिक तो अब माइल्स एंड माइल्स तक हमारा भी और आ जा सकता है पूरे विश्व को एम्पावर कर सकते हैं एक जगह है बैठे जो कि मुझे अभी तक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रहा था लगता था लॉकडाउन की ऐसे सिचुएशन में कैसे पूरे विश्व को एम्पावर किया जाए कैसे पूरे विश्व की सेवा की जाए पर अभी जैसे ब्रदर ने बताया तो आई फेल लाइट बहुत लाइटनेस आ गई कि हाँ हम भी सहयोग दे सकते हैं थैंक यू सो मच ब्रदर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो एनलाइटनमेंट के लिए बहुत बहुत थैंक यू और आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए थैंक्स फ्रॉम द हार्ट ओम शांति ओम शांति